पिकाचू? ये कौन सा पोकेमोन है? इस बार हमने कुछ हटके किया माइनक्राफ्ट में, यानी कि पोकेमोन का रेवोल्यूशन दिखाया। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि हम इस वर्ल्ड में ज्वाइन हो गए थे जहाँ पे चारों तरफ स्नो ही स्नो थी, और हमने अपना पहला पोकेमोन भी चूज कर लिया था जो कि था चारमेंडर। उसके बाद मैंने एक प्लेन बायोम ढूंढ कर वहाँ पर अपना घर बना लिया। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत एडवेंचर पे गया क्योंकि मेरे को अपने चारमेंडर का लेवल अप करना था, और लेवल अप करने का एक ही तरीका होता है, सामने वाले पोकेमोन से उसकी फाइट करवाना। मैंने बहुत सारे पोकेमोन से उसकी फाइट करवाई, और मैंने एप्रिकॉट भी बहुत सारे ढूंढे और उनके पेड़ भी लगा दिए अपने घर के आसपास ताकि मेरे पास कोई भी पोकेमोन की बॉल की कमी ना हो। एट द एंड मैंने अपने घर पे हीलिंग स्टेशन और कंप्यूटर भी लगा दिया, जब भी मैं एडवेंचर से अपने पोकेमोन को वापस लेकर आऊं उनको हील कर सकूं। फाइट के दौरान उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इस एपिसोड में मेरे कुछ गोल होने वाले हैं, जैसे कि मेरे बेसिक पोकेमोन को इवॉल्व करना, उनको हाई लेवल तक लेके जाना, सेकंड कुछ लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ना, एट द एंड मुझे यहाँ की मास्टर बॉल बनानी होगी, क्योंकि मास्टर बॉल बनाने के बाद ही मैं यहाँ की बिगेस्ट फाइट एरेना में एंटर कर सकता हूँ, जहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे लेजेंडरी मास्टर होंगे मेरे साथ और मेरे पोकेमोन के साथ फाइट करने के लिए। तो क्या मैं यहाँ पे 200 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा, चलिए देखते हैं। तो भाई मैं अपने वर्ल्ड में आ चुका था और यह है मेरा वर्ल्ड। मैं चल पड़ा हूँ अब एडवेंचर पे क्योंकि मेरे को अपने पोकेमोन का लेवल अप करना है, और मेरे को अपने पोकेमोन को लड़वाने के लिए कोई भी ऐसा एक भी पोकेमोन नहीं मिल रहा जिसका लेवल कम हो। मैंने मारना चाहोगे तुम? मैं अपने चारमेंडर को लड़वाना चाहता था, तो मुझे एक वीडल मिल गया 9 लेवल का, और इसके साथ मैं अपने चारमेंडर को लड़वा सकता हूँ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक। और अब यहाँ पे फाइट होने वाली थी भाई चारमेंडर वर्सेस वीडल की। मैंने उसको अपना एम्बर अटैक मारा भाई, मैंने उसको एक ही शॉट में मार दिया लोल। और वो पीछे वाला वीडल तो भाई 17 लेवल का था, दिखने में इसके जितना ही था लेकिन भाई उसका लेवल ज्यादा था। यहाँ पे मेरे चारमेंडर को एक्सपी मिल गया, तो भाई ऐसे मेरे को बहुत सारा एक्सपी इकट्ठा करना ताकि मैं इसको इवॉल्व कर सकूं, यानी कि इसका लेवल अप कर सकूं। रास्ते में मेरे को थोड़े बहुत एप्रिकॉट भी मिल गया जिससे मैं और भी ज्यादा पोकेमोन बॉल बना सकता था। अब मेरी फाइट एक क्रैब से हुई और ये भी भाई वन शॉट किल हो गया लोल। फिर मैं वाटर टाइप पोकेमोन ढूंढने के लिए पानी में गया, लेकिन भाई यहाँ पे पानी में सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, तो मैं बाहर आ गया और बाहर की दुनिया में वापस से अपने चारमेंडर का लेवल अप करने में लग गया। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे पोकेमोन से फाइट करी। वो बात अलग है कि मैं फाइट करते करते भाई छोटे छोटे पक्षियों से भी हार जाता था। शाबाश बेटा, कैसा लगा मेरा मजाक? और काफी देर तक एक्सपी इकट्ठा करने के बाद ऐसा एक वक्त आ गया कि मेरे को अपना चारमेंडर इवॉल्व करने के लिए मिल गया 4 मिलियन में। 4 मिलियन ही बोलते हैं इसको, लेकिन भाई दिखने में क्या ओपी लग रहा है ये क्या बढ़िया गाइस। अब मैं फटाफट से वाइल्ड पोकेमोन को हराने वाला हूँ भाई, और अब मेरे पास बहुत सारे पोकेमोन होने वाले हैं। और हाँ, मैं भाई एक हीलिंग स्टेशन अपने साथ लेकर घूम रहा था क्योंकि यार कई बार ऐसे पोकेमोन से भिड़ जाता हूँ मैं जिनका मेरे को पता नहीं रहता, और मैं उनसे पिट जाता हूँ भाई, और मेरा पोकेमोन का हेल्थ बहुत कम हो जाता है तो मुझे उसको हील करना पड़ता है, तो बार बार घर पे ना आना पड़े इसलिए मैं हीलिंग स्टेशन साथ में लेकर घूम रहा हूँ। काफी देर तक मैंने चामेलियन को लड़वा के भाई उसको 20 लेवल तक पे पहुंचा दिया, और अभी अलग अलग तरीके के अटैक भी करने लग गया था, जैसे कि रेज अटैक एंड फ्लाइंग अटैक, तो बहुत सारे अटैक कर रहा था मेरा चारमेलियन। और भाई मैं तो एक्साइटेड था कि जब मैं इसको चार ही डार में इवॉल्व करूंगा तो इसके कौन से मूव्स ओपन होंगे और मैं भाई फिर बड़े बड़े पोकेमोन्स को हरा पाऊंगा। तो गाइस चलो देखेंगे भाई वो क्या मूव्स ओपन करेगा। फिलहाल गाइस मैंने इसके मूव थोड़े बहुत सेटअप कर लिए क्योंकि हर एक पोकेमोन से लड़ने के लिए ना मुझे अलग तरीके के मूव सेटअप करने पड़ते हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं इसको किसी भी पोकेमोन से भिड़वा दूंगा गाइस, इसका भी एक लिमिट होता है। कई बार क्या होता है ना, छोटे पोकेमोन भी हरा देते हैं आपके बड़े पोकेमोन को क्योंकि आप गलत पोकेमोन से भिड़ जाते हो। जैसे मेरा ये फायर वाला है, अगर मैं किसी स्टोन वाले से भिड़ जाऊंगा तो स्टोन वाला इसको इजीली हरा देगा चारमेलियन को। तो ऐसे मेरे को अलग अलग तरीके के पोकेमोन को इकट्ठा भी करना पड़ेगा ताकि मैं अलग अलग तरीके के पोकेमोन के साथ भिड़ सकूं। एंड फाइनली गाइस अब नया पोकेमोन पकड़ने का वक्त आ गया था, तो भाई मैं बटरफ्री के साथ भिड़ रहा था और वो 23 लेवल की थी, मेरा पोकेमोन 20 लेवल का था। लेकिन गाइस मैं इसको पोकेमोन बदल बदल के कैसे ना कैसे करके मैंने इसको पानी वानी घेर के आग वाग लगा के धूल मिट्टी उड़ा करके बटरफ्री को हराया। एंड फाइनली गाइस मैंने उसको पकड़ लिया। एंड यार एक चीज और थी, ये जो बटरफ्री थी ना, ये मेरे पोकेमोन को ना सुला दे रही थी, मतलब इसके पास कुछ मैजिक पाउडर था जिसकी वजह से मेरे पोकेमोन को सुला दे रही थी। लेकिन जैसे इसकी एचपी कम हुई ना, मैंने अपनी पोके बॉल फेंकी और इसको पकड़ने की कोशिश करी, आई होप कि यार ये आ जाए, लेकिन ये पहली बॉल में नहीं आई। तो अब मैं इसको दोबारा से पकड़ने का ट्राई करता हूँ, काश यार ये थोड़ी बेहोश हो जाए और इस बॉल में कैप्चर हो जाए ना, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, मेरे पास एक और पोकेमोन आ जाएगा। एंड फाइनली गाइस ये मेरी टेम हो गई, तो मतलब मेरी पार्टी में आ गई। तो अभी मेरे पास 4 पोकेमोन हो चुके हैं और अब मैं
मैं इनका फटाफट से लेवल अप करता हूँ ताकि मैं इनको इवॉल्व कर सकूँ। उसके बाद मेरे पास थोड़े पोके बॉल की कमी पड़ रही थी, तो मैंने देखा एक नेट बॉल थी जिसको मैं आसानी से बना पा रहा था भाई, और मेरे पास एप्रिकॉट भी थे इसको बनाने के लिए, तो मैंने बनाई और इसको मैंने एक क्रैब पे टेस्ट किया और भाई लिटरली मैंने उस क्रैब को पकड़ लिया। बट हाँ गाइस, मैंने एक टेक्निक यूज करी है, ये टेक्निक मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मतलब मैंने ये जो मेरी बटर फ्री है ना, इससे पहले मैंने एक पाउडर छिटका उस क्रैब के ऊपर, तो वो क्रैब ना बेहोश हो गया, मतलब स्लीपिंग पोजीशन में चला गया, और उसके बाद मैंने उसको इजीली पकड़ लिया। भाई फाइट करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। बटर फ्री है ना, ये मेरे लिए आगे जाके बहुत काम आ सकती है। मैं इसको भाई इवॉल्व करूंगा, इसके मूव्स ओपन करूंगा और इसका एक्सपी लेवल भी बढ़ाऊंगा ताकि भाई मैं बड़े बड़े लेजेंडरी पोकेमोन इससे पकड़ सकूं, क्योंकि यार इससे ना मैं बिना फाइट करे पोकेमोन से उसको पकड़ सकता हूं। तो ये बटर फ्री मेरे बहुत काम आ सकती है। और इसका एग्जांपल देखो गाइस, मेरे को एक स्लो ब्रो दिखा, वो 37 लेवल का था। मैं इसको किसी भी अपने पोकेमोन से लड़वाता ना भाई, इजीली ये हरा देता उसको, पीट पीट के उसकी हालत खराब कर देता। लेकिन भाई बटर फ्री से मैंने उसके ऊपर स्लीपिंग पाउडर छिड़का और मैंने उसको भाई इजीली पकड़ दिया पहली बारी में। इतना अच्छे लेवल का पोकेमोन मेरे पास आ गया, 37 लेवल है उसका। 298,000 patties later. तो यहाँ पे मैंने अपने तीन पोकेमोन को सबसे ज्यादा हाई लेवल तक एक्सपी इकट्ठा किया है, तो अब इनको इवॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चार्मेलियन से चारिडार, और उसके बाद राटाटा से रेटिकेट, और यहाँ पे मेरा ये वाटर पोकेमोन भी है भाई, जो मेरे काफी मतलब जो कि मेरे शुरू से मेरे साथ है, तो इसको भी मैंने इवॉल्व कर दिया। वूपर से इवॉल्व होकर ये हो गया है क्वाजार। अब गाइस मैं बहुत हो चुके हैं और हील भी हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूँ भाई। ये है कंप्यूटर और यहाँ पे मैंने थोड़े एक्स्ट्रा कंप्यूटर लगा दिए और एक्स्ट्रा हीलिंग स्टेशन भी लगा दिए, जिससे कि भाई मैं अपने सारे ही पोकेमोन को जल्दी जल्दी हील कर सकूं। और ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लगाया गाइस क्योंकि जो हीलिंग स्टेशन है ना, इसको चार्ज होने में ना थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने इसलिए मल्टीपल लगा दिए। जैसे कि अगर मैं ये वाले से हील कर रहा हूं तो ये वाला चार्ज होता रहेगा, ये वाले से कर रहा हूं तो ये चार्ज होता रहेगा, तो इसलिए। और कंप्यूटर मैंने डिजाइन के लिए लगा दिया क्योंकि कंप्यूटर तो भाई एक से भी काम बन जाता है। तो यहाँ पे देखो गाइस, मैं यहाँ पे राटाटा को रखने वाला हूँ भाई, क्वजर को भी रखने वाला हूँ, क्योंकि मैं लेने वाला हूँ गाइस चारिडार को, जिसको मैंने 71 लेवल का कर दिया गाइस। ये बहुत ज्यादा बीस्ट हो चुका है, 100 में बस थोड़े से ही लेवल कम है। उसके अलावा गाइस मेरे पास यहाँ पे बटरफ्री भी है, ये देख रहे हो गाइस, ये 93 लेवल की हो गई है भाई। और उसके अलावा गाइस मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ राटाटा को, क्योंकि राटाटा का लेवल अभी कम है गाइस, मुझे इसका लेवल बढ़ाना है। कोई छोटा मोटा पोकेमोन दिखा तो मैं यहाँ पे राटाटा को उससे फाइट करवाऊंगा और इसका एक्सपी बूस्ट करवाऊंगा ताकि मैं इसको और भी ज्यादा बड़ा कर सकूं। एक्स्ट्रा पोकेमोन भी ले लेता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ये वाइल्ड डियर ले लेता हूं और एक ये डियरलिंग ले लेता हूं भाई। इनके नाम बड़े अजीब है गाइस, बट सच में ये पोकेमोन थोड़े खास हैं। और मैंने एक स्लॉट यहाँ पे ओपन रख लिया है अपना, मतलब खाली रख लिया है, ताकि भाई मैं और अभी लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ने जाने वाला हूँ तो यहाँ पे वो मेरी पार्टी में आ सके। चलो गाइस, अब मैं चलने वाला हूँ भाई एक एडवेंचर पे। बट गाइस उससे पहले ना, यहाँ पे मॉब वगैरह भी स्पॉन होना शुरू हो गए, जैसे स्कैली और ज़ॉम्बी है, तो भाई मेरे को अपने लिए भी एक आर्मर बना लेना चाहिए, क्योंकि मैं हार्ड कोर में हूँ, मैं मर गया तो यार मेरे को दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो भाई यहाँ पे मैं कुछ क्राफ्ट करने वाला हूँ अपने लिए। एंड गाइस यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत मोड पैक डाले हुए हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि यार मैं यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता इस वर्ल्ड में, तो मैंने इस गेम को थोड़ा बहुत ईजी बनाया, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है पोकेमोन पकड़ना, न कि इस गेम इन्वायरमेंट से फाइट करना। तो मैं अपने लिए भाई नेदरराइट का सूट बनाने वाला हूँ, और वो बनाना बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला मेरे लिए, क्योंकि उससे पहले मेरे को बनाना पड़ेगा डायमंड का सूट, तो यहाँ पे मेरे को डायमंड चाहिए होंगे। और गाइस इसमें हम डायमंड को क्राफ्ट कर सकते हैं, बट डायमंड को क्राफ्ट करने के लिए मेरे को एंडर पल चाहिए होंगे, और एंडर पल आपको पता है भाई किससे मिलते हैं, एंडरमैन से मिलते हैं, ऑब्वियसली सी बात है। और हाँ, अपने को कोई भाई तगड़ा पोकेमोन मिला ना तो उसको भी पकड़ लेंगे, इसके लिए मेरे पास नेट बॉल है। तो गाइस यहाँ पे सामने भाई एंडरमैन दिख रहे हैं मेरे को दो दो, तो चलो भाई इनको बुलाते हैं फटाफट और इनसे करते हैं फाइट, लेट्स गो। एंड आई होप कि भाई ये एंडर पल ड्रॉप करे। तो फाइनली गाइस मेरे को एक एंडर पल मिल गया भाई, 3 एंडरमैन मारने के बाद 1 एंडर पल, नाइस। मतलब मेरे को जल्दी ये एंडर पल नहीं मिलने वाले। तो गाइस यहाँ पे पता नहीं भैया मुझे क्या मिला है, चलो देखते क्या है ये। बट गाइस यहाँ पे अपने को थोड़े बहुत बेरीज मिल गए हैं, तो इनको खा लेते हैं भाई, क्योंकि मेरा हेल्थ तो बहुत ज्यादा कम हो गया है भाई। भाई फर्नेस पूरे खाली पड़े हैं। ओ, नीचे जाने का रास्ता है यहाँ पे। बट गाइस पहले मैं यहाँ ऊपर चेक करने वाला हूँ कि ऊपर कुछ है क्या अपने लिए। ओ भाई यहाँ पे बहुत सारा माल पड़ा हुआ है गाइस, ये देखो कितना सारा आयरन बैरीज मिल गई मेरे को, नाइस। आयरन गोल्ड, भाई क्या क्या नहीं है यहाँ पे। एक काम सा चलाऊ, आर्मर भी है, यानी कि लेदर का आर्मर है यहाँ पे। चलो गाइस ये वाला ले लेते हैं, काम आएगा अपना। चलो गाइस अभी जरा इसके नीचे चल के देखते हैं भाई नीचे क्या है हमारे लिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत बेसिक आर्मर तो मिल गया है, मतलब मैं थोड़ा बहुत तो सर्वाइव कर ही पाऊंगा। आई होप गाइस ये कोई डंजन ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मुझे तो लगता है गाइस ये फ्री की लूट है भाई यहाँ पे तो। ओके यहाँ पे एक ट्रैप है,
ओ भाई यहाँ पे ट्रैप था। एक सुनसान से एरिया में गाइस मेरे को एक चीज भी दिखी, यहाँ पे एक अजीब सी कार्ट टाइप बनी हुई थी और इसके अंदर बहुत सारी ब्रेड थी और सीड थे। तो भाई ये मेरे लिए बहुत ही अजीब चीज थी यार, ये पता नहीं क्या है यहाँ पे बीचों बीच, और भाई इसके अंदर सप्लीमेंट्री थी तो यार ये चीज मेरे को। और वहां पे देखो शायद ये इसकी है। ओके ये एक तरह का वॉन्डरिंग ट्रेडर है, मुझे देखना पड़ेगा गाइस ये क्या दे रहा है। अगर ये कुछ अच्छी चीज दे रहा होगा तो भाई देखेंगे खरीदेंगे, क्योंकि मेरे पास थोड़े बहुत एम्ब्रल है। तो क्या दे रहा है ये, रोटेड डर्ट। भाई ये एक भी चीज अच्छी नहीं दे रहा। अरे भाई ये रुकना ही नहीं चाहता, जाने दो भाई इसको, पता नहीं है कौन सी दुनिया में जा रहा है अपनी। एंड गाइस घूमते घूमते मेरे को याद आया कि मेरा एक पोकेमोन है जो इवोल्व होने वाला है, तो देखते हैं कौन सा। ओके गाइस ये डीर लाइन है ना, ये इवोल्व होने वाली है, तो भाई इसको सबसे पहले हम बाहर निकालते हैं डीर लाइन को, ठीक है लेट्स गो गाइस। तो ये इवोल्व होने वाली है, तो चलो गाइस इसको इवोल्व कर लेते हैं और देखेंगे भाई इसका नेक्स्ट जो अवतार है वो कैसा दिखने वाला है। ओ भाई साहब ये क्या दिख रही है, इसके सर पे क्या है ये, व्हाट ये इसके सर पे कुछ बन गया भाई, अजीब सा चीज बन गया इसके सर पे। थोड़ी दूर चलने के बाद गाइस मैंने एक अजीब सा टावर देखा जो कि पूरा ब्लैक कलर का था भाई, पता नहीं किस चीज का टावर है ये। एंड गाइस यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक गोल गोल सा कुछ सर्कल टाइप बना हुआ था, और इसके अंदर देखता हूँ तो बहुत सारे विलेजर्स थे भाई। ये विलेजर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या अजीब चीज है भाई। ओ माय गॉड गाइस यहाँ पे एक ऐसा विलेजर था जो कि मतलब एक तरह का ट्रेडर था, इसका नाम है वागाबोंड। क्या बोला तूने, मतलब अजीब ही नाम है भाई। और ये देखो गाइस क्या क्या दे रहा है ये, ये बैट के बदले चेस्ट दे रहा है, 48 ब्लॉक ऑफ कॉपर के बदले सोल स्पीड वाले बूट दे रहा है, और ये बूट बहुत ही ज्यादा अजीब है, स्टोलन फ्रॉम फॉलन नेदर किंगडम। ये अजीब से किंगडम वाले बूट दे रहा था भाई, और कोरस फ्रूट और एक्सलोट के बदले दे रहा था एक गिल्टेड ब्लॉक। और भाई यहाँ पे देख रहे हो मतलब कुछ चीजें इसकी बहुत ज्यादा महंगी थी और अजीब भी थी यार, मैंने ऐसा ट्रेडर पहली बार देखा है। और मुझे लगता है गाइस ये एक अजीब चीज यहाँ पे है, तो और भी अजीब चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो मैं यहाँ पे सब चीज देखने लग गया कि कहीं मेरे को चारों तरफ कुछ ना कुछ खजाना वजाना भी मिल जाए। और यहाँ पे ये देखो गाइस मिरिकल ये मेरे पे अटैक, ओ हाँ गाइस ये मेरे पे अटैक कर रहा है भाई, मुझे लगा मेरे पे अटैक नहीं करेगा, ये बहुत पावरफुल होता है ये बंदा, बट कोई ना मैंने इसको मार दिया। तो फिलहाल गाइज हमारी फाइट होने वाली है गाइज, और भाई मैं इसको हराने वाला हूँ, फिलहाल ये मेरे को दिख नहीं रहा। एंड फाइट के लिए गाइज मैं इसको सीधा हीट वेव मारूंगा और ये पहली बारी में मर जाएगा। यस गाइज ये मर गया, और अब गाइज इसको कैच नहीं कर सकते। ओके गाइज तो उसको कैच नहीं कर सकते भाई, मतलब उसको मुझे मारने से पहले उसका हेल्थ डाउन करना था और उसके बाद ही मैं उसको कैच कर सकता था, लेकिन गाइज मैंने तो उसको सीधा मार ही दिया। तो भाई मुझे उसको पकड़ने के लिए थोड़ा बहुत, ओके यहाँ पे एक और है 22 लेवल का, लेकिन यार गाइज मैं इस पोकेमोन को नहीं पकड़ता यार, ये इतना खास नहीं दिख रहा है। तो चलो भाई यहाँ से आगे की तरफ निकलते, और यहाँ पे मेरे को थोड़े बहुत आयरन वायरन दिख रहे हैं। व्हाट ये आयरन के ब्लॉक यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये कुछ ज्यादा ही आयरन नहीं है भाई, व्हाट द हेक इतना सारा आयरन। निकाल लेते हैं भाई, अपने क्या पैसों का जा रहा है, निकाल लेते हैं भाई। ओ भाई अंदर डायमंड भी है, लेट्स गो, डायमंड फ्री का डायमंड भाई। यार ऐसे तीन चार स्ट्रक्चर मिल जाए तो काम ही बन जाएगा अपना। तो गाइस मैंने सारे के सारे ब्लॉक तोड़ लिए हैं भाई, और मेरे पास काफी सारे ब्लॉक हो गए हैं, आयरन के ब्लॉक तो लगभग एक स्टैक हो गए हैं, साथ में मेरे पास रो आयरन भी बहुत सारा हो गया है एक स्टैक से भी ऊपर। और मेरे को यहाँ पे एक रस्ते में एक सर्वाइवर भी दिखा भाई, इससे मैं पंगे नहीं लेना चाहूंगा। और हाँ इसके घर पे भी कुछ ज्यादा कुछ खास होता नहीं है सिवाय एक ब्रीविंग स्टैंड के। ये क्या गाइस, इग्ली पफ। ओ भाई ये बहुत ही क्यूट पोकेमोन है, बट मेरे को नहीं चाहिए भाई इग्ली पफ, अपने को कुछ लेजेंडरी पकड़ना है भाई। एंड यहाँ पे देखो गाइस क्या है ये, स्पाइडक। ओ भाई साहब लेकिन ये क्या स्ट्रक्चर है भाई। ओके गाइस यहाँ पे चेस्टे वेस्टे लगी हुई है भाई, इसमें क्या है आयरन है, और यहाँ पे ओ भाई यहाँ पे तो खजाना भरा पड़ा है भाई। तो गाइस जितना भी खजाना है मैं सारा का सारा उठा लेता हूँ जो मेरे काम की चीज है। और कहाँ गए शाइडक गाइस, मेरा मन कर रहा है शाइडक को पकड़ने का गाइस, क्योंकि मैंने कभी भी इसको इवोल्व होते हुए नहीं देखा था कि इवोल्व होने के बाद इसका कौन सा रूप आता है। तो चलो गाइस इसको पकड़ लेते हैं और देखेंगे भाई कि इसका इवोल्व होने के बाद इसका कैसा वाला वर्जन आएगा। लेकिन गाइस फिलहाल मेरे को इसको कैच करना है, तो मैं इससे फाइट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा जो चार ही डार है भाई इसको एक ही बारी में हरा देगा। तो मैं इसको कैच करूंगा, और कैच करने के लिए देखते गाइस ये आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा डर के, या भाग जाएगा बॉल से। तो अगर आ जाएगा तो ज्यादा बढ़िया है भाई।
ओके गाइस, तो ये आ गया है, मतलब ये मेरे चार ही डार से भाई डर गया, जलवा है हमारा, और मैंने इसको पकड़ लिया है। और यहाँ पे देखो गाइस, इसको लेवल अप करने के लिए भाई बहुत सारे पॉइंट चाहिए होंगे फिलहाल, तो चलो यार अभी तो मैंने इसको पकड़ लिया है। और ये थोड़ा वाटर टाइप पोकेमोन है, तो इसकी एबिलिटीज भी वाटर वाली है, तो चलो अभी चलते आगे की तरफ। तो गाइस इस गांव में भी कोई हे बेल वगैरह नहीं है भाई, तो मतलब मेरा तो किस्मत ही खराब है भाई, गांव में मैं अब की बार जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि यार गांव में कुछ नहीं मिलता है भाई। और ये कौन सा पोकेमोन है, आई डोंट नो गाइस, व्हाट, ये क्या है गाइस, ये पीचू है और वो भी एक लेवल का। लेट्स गो गाइस, इसको पकड़ा जाए, और इसको तो मैं डायरेक्ट ही पकड़ लूंगा भाई, क्योंकि पीचू बहुत ईजी होता है पकड़ना भाई। लेट्स गो, और ये एक लेवल का, तो इससे मुझे फाइट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। क्या मतलब मुझे इससे फाइट करनी पड़ेगी क्या? आप बोल ना, क्या भाई ऐसे मत करो यार, मैं वापस से पकड़ के देखता हूँ इसको, शायद ये मेरे चार हजार से डर के अगर आ जाए बॉल में तो ज्यादा बढ़िया है। भाई इसने मेरी इतनी सारी बॉल खराब कर दी गाइस, मुझे लगता है मुझे इससे फाइट लेनी पड़ेगी, या शायद मुझे इसको कैच करके अब देखता हूँ गाइस, क्या पता ये मेरे चार हजार से डर जाए और सीधा आ जाए मेरे कब्जे में, देखते हैं गाइस क्या होता है। लेट्स गो पीचू आ जा, बाकी सब देखे जाएगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे गाइस पीचू भी हमारे पास आ गया है भाई, और पीचू सीधा मेरे कंप्यूटर में चला गया होगा भाई, क्योंकि अभी यहाँ पे वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे ऑलरेडी मेरी पार्टी फुल है, तो भाई मेरे को घर पे जाना पड़ेगा और वहां पे मैं पीचू को देखने वाला हूँ गाइस, क्योंकि भाई मैंने उसको पकड़ लिया है। मेरे को कोई लेजेंडरी पोकेमोन तो नहीं दिखा, लेकिन हाँ मेरे को एंडरपल और पीचू मिल गया भाई, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है भाई। तो गाइस घर हम आ गए हैं, तो सीधा सोने के लिए चलते हैं, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भाई कल पीचू को निकाल के कि भाई वो कैसा दिखता है, बहुत ही क्यूट सा पोकेमोन है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, तो अभी भाई मैं देखने वाला हूँ पीचू को, तो देखते हैं भाई कहाँ है पीचू। तो ये रहा गाइस पीचू, देख रहे हो यहाँ पे, मैं गाइस बहुत सारे पोकेमोन को निकालने वाला हूँ गाइस, क्योंकि अब मैं इतने सारे पोकेमोन को कैरी नहीं करूंगा भाई, मुझे जिनका लेवल अप करना है उसको मैं कैरी करूंगा, एंड प्लस गाइस जिसकी मेरे को जरूरत है, जैसे कि मतलब ये जो बटरफ्री है ना गाइस, जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्ति है, मतलब ये सुला देती है भाई सामने वाले को, तो इसको मैं कैरी करूंगा। एंड फिलहाल गाइस अभी पीचू को दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि क्या चीज है भाई पीचू, बहुत ही सही पोकेमोन है भाई। तो ये देखो गाइस पीचू भाई यहाँ पे आ चुका है गाइस, अगर मैं इसको इवॉल्व करूंगा ना तो ये पिकाचू बन जाएगा, आप लोगों को पता ही होगा। तो चलो इसको अपने कंधे पे बिठाता हूँ, लेकिन गाइस उससे पहले ना मैं अपना इन्वेंटरी थोड़ा खाली कर देता हूँ भाई, और यहाँ पे मेरी चेस्टें भी फुल होना शुरू हो गई है, और थोड़ा बहुत अपने लिए गेयर बनाने वाला हूँ अच्छे से, और ये ब्रीविंग स्टैंड और एनविल और इस वाले स्टैंड को हम बाहर लगा देंगे एज ए शोकेस। तो यहाँ पे एनविल, एनविल को मैं लगा दूंगा यहाँ पे, और ब्रीविंग स्टैंड, ब्रीविंग स्टैंड आ जाएगा यहाँ पे। लेट्स गो, और भाई एंडर पल को मैं अपने इन्वेंटरी में रखता हूँ, प्लस मुझे आयरन भी चाहिए होगा, और प्लस मेरे को गोल्ड भी चाहिए होगा, प्लस मेरे को एमरल्ड भी चाहिए होगा, तो ये सब चीज़ें मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो भाई फिलहाल मैं भी पीचू को अपने कंधे पे बिठाने वाला हूँ गाइस, ये देखो पीचू को मैं जैसे बिठाता हूँ ना गाइस, मेरे को एक स्पेशल चीज़ मिलती है, पता है क्या मुझे मिलती है, स्पीड भाई, और मैं स्पीड आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये देखो गाइस मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्पीड मिल जाती है, तो भाई पीचू एक तरह की एबिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है मुझे स्पीड में दौड़ने की, तो भाई ये है इसका कमाल, इसको कंधे पे बिठाने का भाई कुछ तो कमाल हो रहा है। एंड गाइस इसका लेवल अप मैं जल्दी से नहीं करने वाला, क्योंकि भाई इसका लेवल अप करूंगा तो मेरे को मेरी ये स्पीड चली जाएगी। एंड फिलहाल अभी मैं अपने लिए एक आर्मर बनाने वाला हूं भाई, क्योंकि ये जो लेदर का आर्मर है ना, ये अभी मेरे किसी काम का नहीं है, और ये मेरे को ज़्यादा प्रोटेक्शन दे भी नहीं पाएगा, तो फिलहाल मुझे एक डायमंड का आर्मर बनाना पड़ेगा पूरा सबसे पहले तो, और मैं कुछ एंडर पर्ल है उनका यूज़ करने वाला हूँ डायमंड बनाने के लिए। और हाँ गाइस, हम नेदर राइट भी बना सकते हैं एंडर पर्ल से। तो गाइस मेरे पास 22 डायमंड हो चुके हैं, एंड मुझे पता है गाइस मुझे क्या करना है, मुझे ना पहले तो थोड़े बहुत नेदर राइट बनाने हैं, मतलब चार नेदर राइट तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो चार नेदर राइट मेरे पास आ चुके हैं, तो अब मैं अपने लिए एक बेसिक सा आर्मर बना लेता हूँ। सबसे पहले तो एक हेलमेट हो गया, बूट हो गया, अभी लैगिंग गाइस मैं बना नहीं सकता क्योंकि मेरे पास दो डायमंड की कमी है, तो मैं ऐसा करता हूँ मैं अपने लिए एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ। तो ये बन गए गाइस स्वॉर्ड, और अब इनको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ नेदर राइट में। सो लेट्स गो, बना लेते हैं एक स्मिथिंग टेबल, और इसको कंबाइन कर लेते हैं हम नेदर राइट में पूरा। लेट्स गो, तो चलो गाइस आर्मर मैंने पहन लिया है, स्वॉर्ड मेरे पास आ चुकी है, एंड गाइस मुझे पता है थोड़ा बहुत जो डायमंड के मुझे कमी पड़ रही है ना, मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा गाइस, मुझे वो केव में मिलेगा नीचे, क्योंकि केव में मैंने नीचे डायमंड देखा था, लेकिन मेरे पास अच्छा पिकेक्स नहीं था, तो मैं वहां से भाग के आ गया था। वो देखो गाइस, वो रहा एक डायमंड,
तो भाई वहां से निकालते देखते कितने डायमंड होते हैं, वो मल्टीपल होते हैं कि कितने होते हैं। एंड फिलहाल अभी मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है भाई, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट हूँ, जल्दी से नहीं मरने वाला मैं अब इनसे। तो चलो यहाँ से डायमंड निकाल लेते हैं। पहले तो एक डायमंड मिल गया है, आई होप कि मुझे थोड़े ज्यादा डायमंड मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है। ओके गाइस, मुझे इस कैली को मारना पड़ेगा। एंड किस्मत देखो गाइस, यहाँ पे मेरे को माइंड शाफ्ट मिल गया और उसके अंदर भी डायमंड है। तो गाइस ये डायमंड भी मैं फटाफट से निकाल लेता हूँ भाई। और यहाँ पे और भी डायमंड है भाई, लेट्स गो। तो अभी गाइस मेरे पास 18 डायमंड हो चुके हैं और एक डायमंड यहाँ से भी मिल गया, कुछ ब्रेड भी मिल गई, ग्लोबेरी, टॉर्च, लैपिज, भाई सब ले लेता हूँ मैं क्योंकि मेरे को सारी चीजें चाहिए। और यहाँ पे एक और चेस्ट है और इसमें मुझे बैकपैक मिल गया है, ब्रेड मिल गई, नेम टैग और कुछ टॉर्च वगैरह मिल गई। तो गाइस अब मुझे बैग भी मिल गया है, तो ये चीज तो और भी ज्यादा बढ़िया हो गई गाइस। अब मैं बैग में भी सामान डाल सकता हूँ भाई। ओ यहाँ पे और भी डायमंड है, लेट्स गो, जल्दी जल्दी निकाल लेता हूँ भाई। क्या यहाँ पे और भी है डायमंड? गाइस मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये स्पाइडर वाला पोकेमोन ना पकड़ लेता हूँ, क्योंकि गाइस ये बहुत ही अलग दिख रहा है। और इसका भाई लेवल देख रहे हो गाइस, इसका 48 है यार। एंड यहाँ पे भाई मेरे को माइनक्राफ्ट वाले स्पाइडर ने भी काट लिया। मॉब्स के बीच में इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है मुझे लगता है गाइस। यहाँ पे ये जो चीजें बनी हुई है ना, इनकी वजह से ये इतने सारे मॉब्स वगैरह यहाँ पे स्पॉन हो रखे हैं। एंड गाइस ज़ॉम्बीज से फाइट करते करते यार वो इतना बढ़िया लेजेंडरी टाइप पोकेमोन लग रहा था मुझे, वो गायब हो गए यहाँ से भाई, शिट मैन। तो यार यही होता है। ओके वो गायब नहीं हुआ, यहीं पर ये रहा। तो भाई चलो इनसे फाइट करवाते हैं। एंड यार ये फिर से डिस्टर्ब करने आ गए मेरे को, और मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ ताकि मैं थोड़ा सेफ रहूँ। तो चलो भाई चारीदार, मैं तुम्हें चुनता हूँ। और उड़ते उड़ते फाइट करना चाहता है हमारा चारीदार, तो ठीक है भाई, तो चलो फाइट करते हैं गाइस। सबसे पहले मुझे इसका हेल्थ कम करना होगा वरना मैं इसको पकड़ नहीं पाऊंगा। तो मैं इसको फ्लेम थ्रोवर से मारता हूँ गाइस, आप लोगों को पता है फ्लेम थ्रोवर क्या होता है। सो लेट्स गो। व्हाट द हेक, अबे पूरा नहीं मारना था नल्ले, अबे इस चारीदार ने पूरा मार दिया उसको, शिट मैन। अबे पूरा नहीं मारना था, नमूने वापस आ। अबे इसने पूरा मार दिया यार उसको, मैं पकड़ना चाहता था यार मैं उसको, शिट। तो यार चारीदार थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो चुका है हमारा, तो अगली बार इसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भाई, कोई भी पोकेमोन पकड़ने से पहले दूसरा पोकेमोन यूज़ करूँ, क्योंकि चारीदार तो भाई एक ही बारी में ख़त्म कर दे रहा है। लग रहा है कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गया, मैंने ज़्यादा ही खाना खिला दिया इसको। तो गाइस फिलहाल मैं घर पे आ गया हूँ, यहाँ पे सो जाते हैं। और आज मेरे किसी भी पोकेमोन का हेल्थ डाउन नहीं हुआ, तो भाई मेरे को हीलिंग स्टेशन की ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। एंड फिलहाल गाइस मैं क्राफ्ट करने वाला हूँ कुछ बढ़िया बढ़िया बोल्स, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारे डायमंड है। तो सबसे पहले तो मैं एक अपने लिए लेगिंग बनाऊंगा डायमंड की, और एक अपने लिए एक्स भी बना लेता हूँ भाई डायमंड की, और एक शॉवल। वैसे शॉवल बनाने की जरूरत नहीं है गाइस मेरे को डायमंड की। सो गाइस ये मेरी अभी तक की लूट है भाई, लूट आई नो गाइस बहुत ही ज्यादा कम है। और अभी मेरे पास भाई नेदरराइट के टूल भी हो चुके हैं, तो मैं जाने वाला हूँ गाइस नेक्स्ट एपिसोड में एंडर ड्रैगन को मारने के लिए गाइस। और अपने पीचू को भी भाई इवॉल्व करूंगा मैं जल्दी। एंड हाँ गाइस मेरे को ये साइड डक को भी इवॉल्व करके देखना है भाई, क्योंकि गाइस मुझे खुद नहीं पता भाई ये इवॉल्व होने के बाद कैसा दिखता है गाइस, लिटरली मेरे को नहीं पता। अगर आप लोग भी देखना चाहते हो इसको इवॉल्व होते हुए कि भाई ये कैसा रूप लेता है इवॉल्व होने के बाद, तो जरूर से देखना भाई नेक्स्ट एपिसोड हमारा। एंड गाइस देखो सब लोग बोल रहे हैं मुझे कि भाई आप ये इतना लेट क्यों डाल रहे हो एपिसोड, आप तो जल्दी डालने के लिए बोल रहे थे। गाइस मैंने एक टारगेट दिया था 20K लाइक्स का, यार आप लोग वो टारगेट ही कंप्लीट नहीं करवाते तो मेरा मन नहीं करता भाई वीडियोस बनाने का। अगर आप लोग इस वीडियो का जल्दी से 20K का टारगेट कंप्लीट कर देते हो 2 दिन के अंदर, तो मैं 2 दिन में वीडियो डाल दूंगा। आप जल्दी से टारगेट तो कंप्लीट करो भाई, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप के साथ, डिस्कॉर्ड में, या जहां पे भी कम्युनिटी कहीं पर भी करना चाहो तो कर सकते हो। एंड यार गाइस लाइक जरूर किया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से ही वो 20,000 लाइक कंप्लीट हो पाएंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गाइस बाय। एंड हां मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ओवरवर्ल्ड में लेजेंडरी पोकेमोन बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन मुझे पता चला है कि एंड सिटी में बहुत ही डार्कनेस वाले पोकेमोन और लेजेंडरी पोकेमोन मिलते हैं। तो देखेंगे भाई क्या हम एंडर ड्रैगन का हराने के बाद वहां पे पोकेमोन ढूंढ पाएंगे, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज चाओ चाओ।